हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं? आज सुबह अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों फिर से मिल चैनल के आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अमन मौर्य है, जो कि मैं आपको कोलोस्टोमी वीडियो देता रहता हूँ। मैं एक पेशेंट हूँ दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक आपने थंबनेल देख के आपको पता चल हो चुका होगा। अगर नहीं पता चुका आप चुका मेरा टॉपिक ये है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं और उसके बाद में ये दिया क्यों जाता है, इसके फायदे क्या हैं। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो में इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ। पेशेंट की जैसा वीडियो देता रहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आप सबको शेयर करते रहता हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है। दोस्तों कीमोथेरेपी पेशेंट को दिया क्यों जाता है? पहले मतलब पेशेंट को पता होना चाहिए कि हाँ इसका फ़ायदा यही होगा और हमको यह लेनी जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे जैसे हमको पता चलता है बॉडी में कि हमको कैंसर जैसी गांठ हो गई है, तो कीमोथेरेपी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं सजेस्ट कर देते हैं कि आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, जो कि आप 5-6 साइकिल 10 साइकिल जो भी जितनी भी साइकिल होते हैं, और जो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कितना देते हैं साइकिल। ठीक है, अब उसका काम क्या होता है दोस्तों? किसी किसी का क्या होता है कि सर्जरी से पहले दी जाती है कीमोथेरेपी, बाद में दी जाती है। इसका कारण क्या होते हैं? मुख्य कारण यही होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी आपकी बॉडी में कहीं पे गांठ हो गई है। ठीक है, कहीं पे गांठ हो गई है, तो सबसे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा, अब वो गांठ जो होती है बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है, या इसको सर्जरी करने से पहले हमको क्या वहाँ पे क्या करते थे, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, बहुत कम ही पेशेंट होते हैं जो सर्जरी से पहले उनको कीमोथेरेपी की सजेस्ट देते हैं। थोड़ा पास मिला के दिखाता हूँ वीडियो आपको। ठीक है, जैसे हमारी कैंसर की गांठ हो गई, बस एक मतलब आपको उदाहरण के तौर से बता रहा हूँ, मतलब ये कैंसर की गांठ हो गई है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, तो क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत मतलब ये थर्ड स्टेट से ज़्यादा ये पार हो चुकी है। ठीक है, अभी थर्ड स्टेट से ज़्यादा पार हो चुकी है, तो क्या करेंगे डॉक्टर, पहले पहले इसकी जो सेल्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ रही है खून की तरफ से, क्या करेंगे, पहले कीमोथेरेपी आपको देने की सलाह करेंगे। आप कीमोथेरेपी क्यों सलाह करेंगे पहले देने के लिए? क्योंकि जो थर्ड स्टेट से पार हो चुकी है, मतलब बात थर्ड स्टेज से ज़्यादा भी बात हो चुकी होगी, तो क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैंसर के सेल्स होते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, तो उसको सेल्स को कम करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा बॉडी में फैलते हैं, तो सेल्स कम करने के लिए उसको कीमोथेरेपी दिया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी जब दे देते हैं तो क्या होता है कि ये जहाँ पर रहता है वहीं पर ठप हो जाता है, बढ़ता नहीं है ज़्यादा तेज़ से, वहाँ पे सिकुड़न हो जाती है अपने, मतलब उसके बाद में ज़्यादा उत्तेजित नहीं कर पाता है, बॉडी में ज़्यादा तेज नहीं फैल पाता है, तो थोड़ा उसकी गति जो होती है थोड़ा धीमे हो जाते हैं कीमोथेरेपी जब दवा उस लगती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई कि मतलब कीमोथेरेपी पहले क्यों देते हैं। ठीक है, अब बाद में क्यों देते हैं दोस्तों, बाद में क्यों देते हैं कि मान लो ये सर्जरी हो गई हमारी, सर्जरी, ठीक है, सर्जरी हो गई, ये कैंसर गांठ जो होती है काट के निकाल दिए पूरा, मतलब ख़त्म कर दिए डॉक्टर ने, तो फिर उसके बाद में अब निकाल दिए, तो फिर से कीमोथेरेपी क्यों देते हैं, ध्यान समझिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो इतना तो नॉलेज हो ही जाता है कि पेशेंट को। ठीक है, अब देखो सर्जरी के बाद में क्यों देते हैं, अब देखो क्या होता है कि जो यहाँ पे गांठ होती है, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, मतलब फर्स्ट हो गया, इसमें कोई भी कैंसर गांठ जो होती है वो फर्स्ट में तो एक जगह पे रहती है। ठीक है, फर्स्ट में तो जो सेकेंड होता है थोड़ा जगह पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे गांठ है तो यहाँ पे भी कहीं कहीं क्या होता है कि यहाँ पे भी थोड़ा फैल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो थर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, मतलब थोड़ा आरे बगल में पूरा हो जाता है, तो क्या होता है कि कुछ गांठें जो होती हैं कुछ चीज़ नहीं निकल पाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ नहीं निकल पाती है बॉडी के अंदर से, सिर्फ मेन ही वाला निकल पाता है, तो मेन वाला जब ख़त्म हो जाता है तो इसमें से मान लो ये जो छोटे छोटे कण हैं अभी बच जाते हैं, तो इसको अब छोटे हैं क्योंकि ज़्यादा उत्तेजित नहीं किए हैं, थर्ड स्टेज पर था तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं थी, छोटे बहुत, जब कीमोथेरेपी दी तक ये भी थोड़ा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भी ख़त्म हो जाते हैं जब कीमोथेरेपी दी जाता है, तो इसका भी गति जो होता है मतलब स्लो हो जाता है, भी नष्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि कैंसर लौटने की दोबारा चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी जब दिया जाता है बॉडी में, क्योंकि जो हमारा बॉडी है और ब्लड है, ब्लड साफ हो जाता है, सफाया जाता है, और ठीक है
इसलिए हमको यहाँ पे कीमोथेरेपी दे जाते हैं। बॉडी में देखो कैंसर की गांठ जो होती है ना मेरे भाई, वो मतलब खून के जरिए या मतलब ऐसे बढ़ती रहती है। तो क्या होता है जब खून में हमारी कीमोथेरेपी लगती है तो बढ़ने नहीं देती है, उसकी प्रक्रिया जो होती है उसकी स्लो कर देता है, थोड़ा कम फैलता है। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है दोस्तों? साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन न्यूनतम जो होते हैं पेशेंट को, जो मेरे को आया था उस टाइम में, देखो आप अगर कीमोथेरेपी लेने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ शायद मेरे साथ में प्रॉब्लम होगी, वो 100% आपके साथ में होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, वो सबके साथ में होता है। अगर आपके साथ में देखो फर्स्ट टाइम में, तो आप जब जैसे फर्स्ट कीमो लेने जाते हैं तो आपको उतना पता नहीं रहता है कि हाँ हमको ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, चीज़ नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि हम तो फर्स्ट कीमो लेने जाते हैं तो दवा चढ़ने लगती है, उसके बाद में हमको जब भूख लगती है तो हम सोचते हैं कि हम कुछ खा लें। जैसे ही हम खाते हैं, जैसे कुछ भी खाते हैं, एक मतलब पानी पीते हैं तो तुरंत पलटी हो जाती है। तो पलटी क्यों हो जाती है? क्योंकि कीमोथेरेपी दवा इतनी जो कॉस्टली होती है, इतना हार्ड होती है ना, तो मतलब उसके साइड इफेक्ट ये हैं कि आपका मतलब मन थोड़ा बिगड़ेगा। आप कुछ खाएंगे तो देखो खाने का तो बहुत मन करता है, क्योंकि देखो तेल मसाला उसके बाद में बहुत तीखी मीठी चीज़ आपको बहुत खाने का मन करता है। थोड़ा आपको मतलब अवॉइड करना है सब चीज़ से खा के, खाने से। ठीक है, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान आपको फालतू चीज़ें बहुत मन करेगा खाने के लिए, कि हम कोई फालतू मतलब फालतू चीज़ जैसे कि तीखा मतलब मसाला मतलब कड़वा मतलब हल्का तला हुआ चीज़, भुगा हुआ चीज़ बहुत आपको मन करेगा कि हम ये पा जाएँ तो बहुत अच्छे से खाएंगे। लेकिन जब पा जाते हैं तो खा नहीं पाते हैं। मेरे साथ में भी हुआ था कि जब भी मैं किसी को देखता हूँ खाना खाते हो, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब खाता है, लेकिन जब सब सामने आ जाता था, सामने आने के बाद में खाना से स्मेल आने लगता है भाई। खाने से मतलब यार स्मेल आती है, मतलब स्मेल तो खाना तो सही रहता है, लेकिन हमारी जो मतलब उस टाइम की मतलब स्थिति जो होती है ना, उसकी वजह से खाना बहुत बेकार लगने लगता है। हम फालतू चीज़ पे ही मतलब ध्यान देने लगते हैं कि कहीं नमकीन मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए तो हम खा लें। ठीक है, उससे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको जूस पे ही डिपेंड रहना है, क्योंकि जूस ही पिए ताकि आपको बॉडी में पच जाएगा। ठीक है, तो साइड इफेक्ट एक तो ये हो गया कि आपको जो मतलब ये सिलसिला आपको जब तक ले कीमोथेरेपी चलता है तब तक लिए ये चलता रहता है, आपका गला टूटेगा। जब भी खाना खाएंगे तो गला टूटना मतलब अनिवार्य होता है कीमोथेरेपी में, गला टूटता ही टूटता है। मतलब कुछ खाते हैं तो ऐसा लगता है कि पलटी हो जाएगा। मतलब आज तक कभी देखो 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन आज तक भी कभी कभी मेरे साथ में होता है कि गला टूट जाता है। मतलब कुछ भी खाते हैं तो होता है मतलब पलटी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पे आपको क्या होगा? सेकंड फर्स्ट फर्स्ट तो मैं बता दिया, सेकंड पे क्या होगा? सेकंड में तो आपको दोस्तों क्या होगा कि आपके मतलब वीकनेस बहुत होगा बॉडी में, मतलब कमज़ोर फील करेंगे खुद को, कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि मतलब आप तो कुछ खाते नहीं, सिर्फ आपकी सिर्फ सिरिंजे के ही थ्रू जो भी होता है और उसी के थ्रू चढ़ता है, तो आपको थोड़ा वीकनेस फील होगा। वीकनेस फील होने की वजह से आपको थोड़ा कमज़ोरी भी आ सकती है। तो आप कीमोथेरेपी में अपनी डाइट जो है अच्छी खासी रखें, हेल्दी फूड खाएँ, तब से मतलब फल फ्रूट्स वगैरह खाएं जिसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल सके। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा? सेकंड में आपकी अब स्किन पे मतलब स्किन पे मुंह के अंदर में छाले बहुत हो जाएंगे। मतलब छाले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप जब दवा चढ़ती है तो बॉडी में बहुत सारे मतलब निगेटिव जो पॉजिटिव चीज़ होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ क्या होता है कि मतलब दान यहाँ पे और के साथ में दाने निकल जाते हैं, तो ये सिलसिला जो होता है चलता रहता जाता है, आपकी कीमोथेरेपी चलती रहती है। इसका कोई इलाज होता है बट, लेकिन ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट ही हैं, अगर इसका दवा भी लेना सही नहीं रहेगा मेरे भाई। क्योंकि तो देखो ये छाले सही होते रहते हैं और उसके बाद में होते रहते हैं, सही होते रहते हैं, होते रहते हैं। और फोर्थ पे आपको क्या होगा? आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल आ जाएंगे और ब्लैकनेस हो जाएगा। तो और ठीक है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं वो खून कम होने की वजह से। ठीक है, फोर्थ पे आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल हो सकते हैं। और पांचवे पे क्या होगा? पांचवे पे क्या होगा? पांचवे पे दोस्तों आपकी जो बॉडी है मतलब मतलब
चलने की मतलब आपको थकावट सी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, आप मतलब सोचेंगे कि हम वहाँ तक घूम टहले, आपको थोड़ा बहुत वीकनेस, आप पैर में झुंझुनाहट वगैरह ये सब आपको होना स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे जब कीमोथेरेपी चढ़ता है। तो ठीक है, तो ये सिलसिला जो दोस्त है, कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ें जो होती हैं कि 5 से 6 महीने के तक रहती हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट में देखो, ऐसा नहीं है सबकी पेशेंट की स्थिति अलग होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब सब साथ है उनको 5 से 6 महीने, तो कुछ चीज़ें जो होती है सही हो जाती हैं, जैसे कि मुंह में जो छाले हो जाते हैं सही हो जाते हैं, जब जैसे कि कीमोथेरेपी ख़त्म होती है उसे सही हो जाते हैं, और वीकनेस भी सही हो जाता है जैसे कि कीमोथेरेपी हटता है मतलब बंद हो जाता है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं सही हो जाते हैं कुछ दिन पहले, और जैसे कि बहुत दिन तक ले आपकी प्रक्रिया यही चलेगी, जैसे कि आप खाना खाएंगे थोड़ा आपकी गला टूटेगा, ये प्रक्रिया बहुत दिन तक ले चलता है। और सेकंड पे आपको जो बता पचवे पे बताया, पैर में झुंझुनाहट और आपकी अंदर थकान बहुत दिन तक ले रहते हैं इसके साइड इफेक्ट, तो ये सब आपको थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं। ठीक है, और कीमोथेरेपी अच्छी दवा है क्योंकि अगर आपको लाइफ टाइम पे अगर आपको इस बीमारी से फिर से नहीं मतलब होना है तो आपको कीमोथेरेपी लेना अनिवार्य है, अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को टाले नहीं, आप कीमोथेरेपी जरूर लें, क्योंकि दोस्तों कीमोथेरेपी बहुत अच्छी दवा होती है कैंसर के लिए। ठीक है, वो जो प्रक्रिया मतलब बढ़ने की प्रक्रिया होती है, जैसे आप एक उंगली से दूसरी उंगली हो जाती है, तीसरी उंगली हो जाती है, तो अगर कीमोथेरेपी ले रहे तो यहाँ पे अंगूरी पे ही नष्ट हो जाती है, ना तीसरे पे जाती है ना चौथे पे जाती है, सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो इससे यही आपको फायदा होगा कि यहाँ से जब यहाँ दूसरे जगह पर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको फिर से सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है कि कई कई जो कैंसर चीज़ें होती हैं अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से कैंसर वापस भी आते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रीटमेंट अच्छा सा ले रहे हैं तो आपको निश्चिंत रहें आप फिर से कैंसर नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आज से मेरे को 5 साल हो गए, कुछ सब सही लगता है, कैसा नहीं लगता है कि हाँ मेरे साथ में पेन होता है, अब एकदम बढ़िया से कहीं पेन नहीं होता, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतने काफ़ी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तो आज का टॉपिक इतना ही ख़त्म है दोस्तों। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप जो कि है आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, अष्टमी ग्रुप है, कहाँ पे भी कई बाहर के लोग भी ऐड हैं और कई इंडिया के, कई इंडिया के बाहर के भी लोग हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों नोट, अगर कोई बात मेरे को अगर इसमें से आपको नहीं बता पाया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, और कोई बात आपको थोड़ा नहीं कंफर्टेबल लगा हो, नहीं सही लगा हो, नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो मैं कभी कभी इसलिए बनाता हूँ कि कुछ लोग को ऐसी वीडियो देखने के बाद हिम्मत मिलती है, जो कि हॉस्पिटल में रहते हैं कहीं पे भी रहते हैं, अगर उनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनका वीडियो देख के, मतलब वीडियो में कुछ भी हो लेकिन वीडियो में बताने मतलब देखने का मतलब उनको बाद में हिम्मत आ जाती है कि हाँ यार मेरे जैसे बहुत लोग हैं तो मैं क्यों ना इस चीज़ से लड़ूँ। ठीक है, तो अगर ऐसे दोस्त मतलब ऐसे आपको कोई पार्टनर है या कोई ऐसी उनकी दिक्कत है तो आप उनके साथ में जरूर शेयर करना ऐसी ऐसी वीडियो, क्योंकि क्या होता है उनको देखने के बाद हिम्मत मिलती है, हिम्मत इसलिए मिलती है कि हाँ मेरे जैसे और तो लोग हैं, और तो ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं तो क्या मैं नहीं काट सकता हूँ, मेरी मैं नहीं मेरे पास में क्या चीज़ कमी है, तो यही सब देख के मैं वीडियो आप सबके लिए बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो साथ में, नई वीडियो साथ में। ठीक है दोस्तों।